सो गाइस, इस स्टूडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं KTM Duke 125 के बारे में, जो लेटेस्ट अभी लॉन्च हुई है दिसंबर के अंदर 2020 के अंदर, एंड KTM Duke 200 के बारे में जो कि हमारे पीछे खड़ी है इन द ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर। बात कर लेते हैं पहले प्राइस के बारे में। सो जो KTM Duke 125 आती है वो आती है 1,50,000 रुपीज़ एक शोरूम, एंड जो KTM Duke 200 आती है वो आती है 1,79,000 रुपीज़ एक शोरूम, मतलब लगभग 29,000 रुपीज़ का अंतर है एक शोरूम प्राइस की अगर बात करी जाए। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 98। शुरुआत करते हैं आज इस वीडियो की और बात करेंगे कौन सी बाइक आपके लिए बेटर होने वाली है। लेट स्टार्ट दिस वीडियो। पहले बात कर लेते हैं लुक्स के बारे में। तो लुक्स एग्जैक्टली सेम आते हैं दोनों बाइक्स के अंदर, चाहे आप सस्पेंशन की बात कर लीजिए, आप टायर की बात कर लीजिए, चाहे आप डिस्क ब्रेक की बात कर लीजिए, चाहे आप हेडलाइट के बारे में बात कर लीजिए, टेल लाइट के बारे में बात कर लीजिए, सीट के बारे में बात कर लीजिए। डिफरेंस जो सिर्फ है लुक्स के अंदर वो है ग्राफिक्स का। आप देख सकते हैं ग्राफिक्स दोनों बाइक में काफ़ी डिफरेंट आते हैं। दिस इज़ द ड्यूक 125, आप देख सकते हैं इस बाइक को, और दिस इज़ द ड्यूक 200। जैसे कि यहाँ पर बैजिंग लगी हुई है ड्यूक 200 की, और कुछ इस तरीके के इसके ऑरेंज कलर में लुक्स आते हैं। बहुत ही शानदार प्रीमियम लुक आपको देखने को मिलते हैं इस बाइक के अंदर। बात कर लेते हैं पहले ड्यूक 125 के बारे में। तो इसके अंदर लगभग हमें मिलता है 14.3 ब्रेक हॉर्स पावर का इंजन, और जो इंजन है वो है लगभग 124.71 सीसी का, और जो टॉर्क पंप आउट करता है वो लगभग 12 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क पंप आउट करता है। तो सबसे बड़ा जो अंतर है दोनों बाइक्स में वो इंजन और मतलब उसकी पावर का ही है। अगर ड्यूक 200 की बात करी जाए तो लगभग 199.5 सीसी का इंजन आता है, पंप आउट करता है 24.6 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 19.2 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है जो कि है ब्रेकिंग के अंदर। इसके अंदर आता है सिंगल चैनल ABS वाला ब्रेक, और इसके अंदर आता है डुअल चैनल ABS वाला ब्रेक। ब्रेक की बात करी जाए तो दोनों में फ्रंट में 300mm के डिस्क ब्रेक मिलेंगे, एंड रियर में मिलेंगे 230mm के डिस्क ब्रेक। दोनों बाइक्स में सेम डिस्क ब्रेक है, बट जो ABS है वो इसमें डुअल चैनल ABS है, इसके अंदर सिंगल चैनल ABS है। फ्रंट में अगर सस्पेंशन की बात करी जाए तो दोनों में अपसाइड डाउन फोक्स WP के सस्पेंशन आपको देखने को मिलेंगे, एंड पीछे आपको मोनोशॉक मिलेंगे सेम। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मोनोशॉक मिलेंगे दोनों बाइक्स में सेम। बात करी जाए फ्यूल टैंक की, तो फ्यूल टैंक इज़ ऑल्सो द सेम ऑन बोथ द बाइक्स, एंड आप लुक में भी देख सकते हैं पीछे का जो सेक्शन है इस बाइक का ड्यूक 200 का और ड्यूक 125 का, अब जो पीछे का सेक्शन आता है वो भी सेम ड्यूक 200 जैसा ही आता है ड्यूक 125 में। तो आप मतलब एक तरीके कह सकते हैं कि ड्यूक 200 जैसे ही लुक्स आते हैं, बस इसके अंदर 125 सीसी का इंजन आता है, बाकी लगभग सेम है और ब्रेकिंग का अंतर है। बाकी अगर बात करी जाए तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी सेम है बाइक का अंदर। यहाँ पर आपको देख सकते हैं पुराना वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है दोनों बाइक्स के अंदर कंपेयर करा जाए। अगर हैंडल बार्स की बात करी जाए तो वो भी सेम आते हैं कंट्रोल्स के साथ। यहाँ पर मिलते हैं हाई बीम, लो बीम इंडिकेटर, हॉर्न स्विच, और राइट में मिल जाता है किल स्विच और इग्निशन स्विच। रियर व्यू मिरर्स भी सेम है दोनों बाइक्स के अंदर, जो डिज़ाइन है आप देख सकते हैं दोनों बाइक्स का सेम आता है रियर व्यू मिरर्स का। कुछ इस तरीके के लुक्स आते हैं इस बाइक के, दोनों बाइक्स के लगभग सेम है। अब बात कर लेते हैं कि 29,000 रुपीज़ बचाना सही रहेगा या फिर 29,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा खर्च करना सही रहेगा। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो एक आंसर मैं आपको जवाब देता हूँ कि मैं लेता ड्यूक 200, बिकॉज इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू द ड्यूक 125। ड्यूक 125 भी एक बहुत अच्छी बाइक है, बट इसकी जो पावर है कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम लगेगी। अगर आप एक एक्सपीरियंस राइडर हैं, अगर आप पहले से बाइक चलाते आ रहे हैं, एंड अगर आप पहले से बाइक चलाते नहीं आ रहे हैं, एंड आपको पैसे नहीं खर्च करने एक्स्ट्रा बिल्कुल भी, तो डेफिनेटली ड्यूक 125 आपके लिए काफ़ी बेटर चॉइस है। बट अगर मैं होता तो मैं 29,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा खर्च करता और मैं लेता ड्यूक 200 बिकॉज ऑफ इट्स पावर। ये एक ज़्यादा प्रैक्टिकल बाइक है, बिकॉज ये जो पावर है इससे आप जल्दी बोर नहीं होंगे, एक लंबे समय तक आप इस बाइक को रख पाएंगे। बट हाँ, ड्यूक 125 से आप एक टाइम के बाद डेफिनेटली बोर होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज इसकी पावर इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी आपको एक थोड़े टाइम के बाद। आपको शुरू में डेफिनेटली लगेगी अच्छी पावर है, बट थोड़े टाइम के बाद आपको अच्छी पावर नहीं लगेगी। जो इसके अंदर ट्रांसमिशन आता है दोनों बाइक्स में 6-speed ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलता है, एंड दोनों जो बाइक्स हैं क्वालिटी लेवल दोनों बाइक्स का सेम है। हीटिंग इशूज़ नहीं है, थोड़े से हैं, बट मैं कहूँगा कि मुझे बस थोड़े से ही लगते हैं, ऐसा कोई बहुत मेजर हीटिंग इश्यूज़ नहीं लगेंगे आपको। और डेफिनेटली यार ये एक
मैं कहूँगा कि एक प्रीमियम बाइक्स हैं ये, तो इनका थोड़ा बहुत हीटिंग तो डेफिनेटली करना बनता ही है, क्योंकि थोड़ी पावरफुल बाइक्स में कंपेयर इनको हम कंसिडर करते हैं। आप देख सकते हैं दोनों बाइक्स के अंदर ग्राफिक्स जो मुझे लगे अच्छे, वो दोनों बाइक से इक्वली पसंद आए हैं। ड्यूक 125 के ग्राफिक्स भी काफ़ी बढ़िया दिए हैं, एंड ड्यूक 200 का आपको पता ही है कितने अच्छे ग्राफिक्स हमें शुरू से ही मिलते हैं। दोनों BS6 कंप्लायंट बाइक्स हैं, दोनों में BS6 कंप्लायंट इंजन आता है, एंड आपको पता ही है राइड क्वालिटी की बात करी जाए तो क्वालिटी राइड की जो कंफर्ट है वो राइड का एग्जैक्टली सेम है, बिकॉज सिटिंग पोजीशन है वो दोनों बाइक्स में सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों बाइक में सिटिंग पोजीशन का अंदर। बट हाँ, एक लॉन्ग राइड के पर्सपेक्टिव से हम देखें, एक लंबी समय तक हम बाइक चलाने के पर्सपेक्टिव से देखें, तो डेफिनेटली ड्यूक 200 उसमें कहीं ना कहीं जीत जाती है। सो एक ओवरऑल अगर कंक्लूड करें हम अभी बीच में वीडियो के, तो मैं कहूँगा कि आप डेफिनेटली ड्यूक 200 को प्रेफरेंस दे सकते हैं। बट हाँ, अगर आपको पैसे नहीं खर्च करने हैं, आपको एक पूरा एक्सपीरियंस चाहिए कम पैसे के अंदर, देन दिस इज ड्यूक 125 इज द बाइक फॉर यू। डेफिनेटली सबसे सस्ती बाइक है KTM की इस समय इंडियन मार्केट में, जो शोरूम में आपको मिलती है, एंड आपको एक पूरा एक्सपीरियंस करना है अगर KTM का कम पैसों के अंदर, तो ड्यूक 125 आपके लिए एक बिल्कुल परफेक्ट बाइक होने वाली है। इसके अंदर सारे एग्जैक्टली ड्यूक 390 और ड्यूक 250 या ड्यूक 200 जैसी क्वालिटीज़ मिलती है। पेंट की क्वालिटी ले लीजिए, चाहे आप ब्रेकिंग क्वालिटी ले लीजिए, ब्रेकिंग क्वालिटी दोनों बाइक्स में बहुत बढ़िया है, बट हाँ ड्यूक 200 में बेटर बिकॉज ऑफ द डुअल चैनल बेस। इसके अंदर सिंगल चैनल बेस है, इसकी ब्रेकिंग एज कम्पेयर टू द अदर बाइक्स जो इसकी कैटेगरी में आती हैं उससे काफ़ी बेटर है। बट हाँ, कहीं ना कहीं जो सिंगल चैनल बेस है कहीं ना कहीं आपको पता लग ही जाएगा कि यार डुअल चैनल बेस होना ज़रूरी है। और बाकी तो यार बाइक का मैं बताऊँ तो राइड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, एंड कम्फर्ट इज़ वेरी गुड इन ड्यूक सीरीज़। RC सीरीज़ में उतना ज़्यादा कम्फर्ट नहीं है जितना कि आपको ड्यूक सीरीज़ में देखने को मिलेगा। सो गाइस, कमेंट सेक्शन में ना मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी आपको कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद आई, ड्यूक 125 ज़्यादा अच्छी लगी या ड्यूक 200, बिकॉज लुक्स क्या है इस समय दोनों बाइक्स का लगभग सेम आ रहा है। प्राइस का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, 29,000 रुपीज़ प्राइस का डिफरेंस है एक शोरूम प्राइस की अगर बात करी जाए, एंड आप देख ही सकते हैं दोनों बाइक्स को। सो गाइस, कुछ इस तरीके के लुक्स आते हैं, मैं आपको एक बार दूर से भी दिखा देता हूँ दोनों बाइक्स। This is the Duke 125 and that is the Duke 200. So, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आप होते तो आप कौन सी बाइक लेते, या आपको कौन सी बाइक पसंद है दोनों में से। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करवे कहीं मत जाएगा, इस वीडियो को शेयर करवे कहीं मत जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो डेफिनेटली बनता है, उस लाल कलर के बटन को तोड़ मोड़ फोड़ो जो करने करो सब जान चाहिए, साथ में घंटे के अंदर मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मुझे मत भूलिएगा, यहाँ लिख क्या होगा फुल लेटेस्ट अपडेट्स एंड अमेजिंग बाइक स्टोरीज, बहुत ही शानदार वहाँ आपको स्टोरीज देखने को मिलेगी, IGTV वीडियोज़ देखने को मिलेगी, रील्स देखने को मिलेगी, पोस्ट देखने को मिलेगी, बहुत ही बढ़िया एंगेजिंग कंटेंट डालता हूँ मैं। और मुझे आप DM करके पूछ सकते हैं जो भी आप पूछना चाहें बाइक्स के बारे में, एंड कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं अगर आपको स्पेशली पूछना है, फिर आपको कोई भी एक स्पेशल वीडियो चाहिए किसी बाइक के बारे में, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ डे, आई विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, एंड एज ऑलवेज बी हैप्पी एंड राइड सेफ, सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। वीडियो को लाइक करे बगैर मत जाना, बाय बाय।